तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए वॉर के चलते आज इसराइल की चर्चा पूरी दुनिया में हुए, कैसे इस मुल्क ने तकनीक को युद्ध में उतारा। तो चलो आज हम बात करने वाला है इसराइल के बारे में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में आप जानने वाले हो इसराइल के बारे में सब कुछ। तो पहले ये जान लेते हैं कि कैसे इसराइल बना। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदी को मार डाला, जिसे दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार में से एक माना जाता है। इस नरसंहार के बाद से सैकड़ों यहूदियों ने आंदोलन किया और अलग कंट्री की मांग की। फिर बाद में यहूदियों को इंडिपेंडेंट स्टेट मिला, जिसे आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है और यहाँ मात्र 85 लाख की आबादी बसती है, लेकिन फिर भी इसराइल दुनिया का 8वां सबसे पावरफुल कंट्री है। इसराइल इतना पावरफुल है कि इससे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप ISIS भी डरता है। इसराइल ने अब तक 7 युद्ध लड़े हैं और लगभग सारे युद्ध में जीत चुका है। इसराइल दुनिया में US के बाद सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पर करता है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि अगर किसी भी देश का युद्ध इसराइल के साथ हो तो रिजल्ट क्या होगा। इसराइल के डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का है, जिसे आप मोसाद के नाम से जानते होंगे। मोसाद जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी में से एक है, और इसीलिए मोसाद इसराइल की सुरक्षा का मेन पार्ट है और यही इसराइल की डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसराइल के पास मोसाद के अलावा भी एक और मेन सोर्स है, जिससे वो अपनी ताकत दुनिया को दिखा सके, जो कि है यहाँ के वियर्ड रूल। इसराइल के रूल के मुताबिक यहाँ के सारे लोगों को अपना कुछ टाइम आर्मी में बिताना पड़ता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेंस को 3 साल और लेडीज को 2 साल तक आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ 30 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स है। इसराइल ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे रहता है। यहाँ पर लगभग 93% एनर्जी सोलर सिस्टम से आती है। इसराइल ने साल 1979 में दुनिया का पहला एंटीवायरस बना दिया था और आज दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन राउटर भी इसराइल के पास है। ये देश अपने GDP का 5% इनोवेशन पर खर्च करता है और साथ ही साथ इसराइल के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, जिसे अगर किसी दूसरे देश ने इन पर रॉकेट फेंका तो वो रॉकेट हवा में ही जमीन से कोसों दूर तबाह हो जाएगा, जिसे आयरन ड्रोन भी कहा जाता है। इस डिफेंस सिस्टम से इस देश ने कई बार अपने सिटीजन की जान बचाई है और इसराइल उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इन सब के चलते आज इसराइल को मिडिल ईस्ट का सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना वियर्ड। तो चलो आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल डिलाइटफुल फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी को भी दबा लें ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख सके। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।